इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी कांग्रेस के आलाकमान बने तो उन्होंने तमाम गलतियां की, और उन तमाम गलतियों में एक गलती कर्नाटक में भी हुई थी जिसका खामियाजा उन्हें लिंगायत वोटरों से दूरी के तौर पर चुकाना पड़ा था, और इसी का नतीजा था कि दक्षिण भारत में बीजेपी की एंट्री हो गई। लेकिन कर्नाटक में सत्ता पर काबिज होने के बाद अब बीजेपी के आलाकमान यानी कि पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी शायद वही गलती हो गई है जो कभी राजीव गांधी से हुई थी, और अब शायद बीजेपी के भी लिंगायत वोटों में उतनी ही बड़ी सेंध कांग्रेस लगा सकती है जैसी सेंध कभी बीजेपी ने लगाई थी। तो आखिर राजीव गांधी से गलती क्या हुई थी और अब बीजेपी ने गलती की क्या है, बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। तारीख थी 3 अक्टूबर 1990। तब देश में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा की धूम, इसकी धमक दक्षिण भारत तक भी पहुंच गई थी। उस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे वीरेंद्र पाटिल। सितंबर के आखिरी सप्ताह में ही उन्हें पैरालिसिस का अटैक आया था और वो अपने बिस्तर पर पड़े थे। इसी दौरान कर्नाटक में दंगे भड़क गए। मुख्यमंत्री बीमार थे और कम से कम 46 लोगों की मौत उस दंगे में हो चुकी थी। कर्नाटक का हाल चाल लेने और दंगा प्रभावितों से मिलने के लिए तब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी बेंगलोर पहुंचे। वो 6 अक्टूबर 1990 की तारीख थी जब राजीव गांधी अपने डॉर्नियर एयरक्राफ्ट से बेंगलोर पहुंचे थे। एयरपोर्ट से उतरने के साथ ही वो कावेरी गए जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल का आवास था। राजीव गांधी वीरेंद्र पाटिल के कमरे में दाखिल हुए, लेकिन वीरेंद्र पाटिल की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कुर्सी से उठ पाते और अपनी पार्टी के मुखिया से हाथ मिला पाते। राजीव गांधी आगे बढ़े, पाटिल से हाथ मिलाया और उन्हें स्वास्थ्य संबंधी नसीहतें देकर वहां से बाहर निकल गए। वहां से निकल राजीव गांधी पहुंचे चन्नपटना, जहां दंगे में 19 लोग मारे गए थे। इसके बाद उन्हें टेक्सटाइल सिटी दमनगिरी भी जाना था जहां 16 लोगों की हत्या हुई थी, लेकिन राजीव गांधी के हेलीकॉप्टर में तेल ही नहीं था तो वो दमनगिरी नहीं जा पाए। उन्होंने तुरंत ही संसदीय और कानून मंत्री वीरप्पा मोइली को तलब किया, उनसे बात की और फिर वहां से वो मद्रास के लिए निकलने लगे जहां उन्हें MGR की मूर्ति का अनावरण करना था। लेकिन मद्रास जाने से ठीक पहले राजीव गांधी ने वो गलती कर दी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मद्रास के लिए उड़ान भरने से पहले उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा, पहले मुझे प्रेस से बात करने दीजिए। राजीव प्रेस के सामने आए और धीरे से कहा, 4 दिन में सरकार बदल जाएगी, पाटिल की सेहत परेशानी की बड़ी वजह है और वो कम से कम 4 हफ्तों तक काम पर नहीं लौट पाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजीव गांधी ने कहा कि पार्टी नेताओं की बैठक 10 अक्टूबर 1990 को होगी जिसमें नया नेता चुना जाएगा। मैंने जो देखा है उसमें पाया है कि अभी बहुत कुछ किए जाने की ज़रूरत है और हम अभी उस स्थिति में नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों तक उतनी मदद पहुंची है जितनी पहुंचनी चाहिए थी। लेकिन वीरेंद्र पाटिल ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया। राजीव गांधी जैसे नेता को ना कहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए था। बीमार वीरेंद्र पाटिल ने वो कलेजा दिखाया। उन्होंने कहा, मैंने राजीव गांधी से साफ कर दिया है कि नेतृत्व का फैसला कांग्रेस के विधायक करेंगे न कि आलाकमान, और राजीव गांधी ने भी मेरी बात मान ली है। लेकिन जब 10 अक्टूबर की तारीख आई जिस दिन नेतृत्व परिवर्तन की बात राजीव गांधी ने की थी, तो नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ, वरन राज्यपाल रहे भानु प्रताप सिंह ने वीरेंद्र पाटिल की सरकार को ही बर्खास्त कर दिया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राजीव गांधी नाराज हो गए। राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी, लेकिन ये चिट्ठी राज्यपाल के खिलाफत से ज़्यादा अपने ही मुख्यमंत्री की मुखालफत कर रही थी। पत्र में राजीव गांधी ने लिखा, एक मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में अपना बहुमत खो दिया है, उसके पास इस बात का कोई अधिकार नहीं है कि वो राज्यपाल से विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करे। ये राष्ट्रपति शासन कर्नाटक में तब लगा था जब एक चुनी हुई सरकार के पास बहुमत था। 224 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 178 विधायक थे। इसने कर्नाटक के लोगों को उस वाकये की याद दिला दी जब बहुमत में होते हुए भी जनता दल के मुख्यमंत्री SR बोम्मई की सरकार को राज्यपाल ने ठीक इसी तरह से भंग कर दिया था और उन्हें भी बहुमत साबित करने का मौका नहीं मिला था। लेकिन एक के बाद एक लगातार 2 मुख्यमंत्री जिनकी सरकारों को राज्यपाल ने बर्खास्त कर दिया, उनकी एक और शिनाख्त थी, और ये शिनाख्त थी लिंगायत की। ये लिंगायत 99 उपसमूहों में है जिनके 2 उपसमूहों में से ही कर्नाटक के 22 में से 10 मुख्यमंत्री रहे हैं। 8 मुख्यमंत्री लिंगायत के बानाजीगा सेक्ट से रहे हैं जबकि 2 मुख्यमंत्री सदर सेक्ट से रहे हैं। SR बोम्मई सदर सेक्ट के थे जबकि वीरेंद्र पाटिल बानाजीगा सेक्ट से। कर्नाटक में लिंगायत समुदाय की आबादी
वोट प्रतिशत के लिहाज से 16-17% है, जिनका करीब 100 विधानसभा सीटों पर सीधा प्रभाव है। और ये वीरेंद्र पाटिल के नेतृत्व का ही कमाल था कि 1989 में कांग्रेस को 224 में से 178 सीटें मिली थी, क्योंकि वीरेंद्र पाटिल 1968 से 1971 तक भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके थे और 18 साल बाद 1989 में भी कांग्रेस ने वीरेंद्र पाटिल को ही नेतृत्व सौंपा था, जिससे लिंगायतों में कांग्रेस को लेकर भरोसा और मजबूत हुआ था और उन्होंने झोली भरकर कांग्रेस को वोट दिए थे। लेकिन पहले SR बोम्मई और फिर वीरेंद्र पाटिल की सत्ता से बर्खास्तगी को लिंगायत समूह के लोगों ने अपना अपमान समझा और कांग्रेस से दूरी बनानी शुरू कर दी। वहीं विरोधी बीजेपी में भी एक नेता था जो खुद लिंगायत समुदाय से था और कर्नाटक में बीजेपी को स्थापित करने की भरपूर कोशिश कर रहा था। नाम था BS येदियुरप्पा। कांग्रेस में वीरेंद्र पाटिल को किनारे लगाए जाने के बाद BS येदियुरप्पा ने मेहनत की, कांग्रेस को लिंगायतों का विरोधी बताया, वीरेंद्र पाटिल सरकार को गिराए जाने को लिंगायतों का अपमान बताया। येदियुरप्पा की मेहनत रंग लाई। वहीं वीरेंद्र पाटिल को हटाने और राजीव गांधी की हत्या के बाद कर्नाटक में कांग्रेस पहले इस बंगरप्पा और फिर वीरप्पा मोइली को मुख्यमंत्री बना चुकी थी। तो फिर हुआ ये कि 1989 के विधानसभा चुनाव में महज 4 सीटें जीतने वाली बीजेपी को 1994 के विधानसभा चुनाव में कुल 40 सीटें मिली। वहीं 1989 में 178 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 34 सीटों पर सिमट गई। हालांकि 1994 के विधानसभा चुनाव के बाद भी बीजेपी सरकार बनाने में नाकाम रही, लेकिन उसने लिंगायतों का भरोसा जीत लिया था। लिंगायतों का बड़ा वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। वहीं कांग्रेस ने लिंगायतों का भरोसा खो दिया। बीजेपी ने भी लिंगायतों के भरोसे को कायम रखा और जब 2007 में बीजेपी के पास सरकार बनाने लायक नंबर आए तो उसने अपने सबसे बड़े लिंगायत नेता BS येदियुरप्पा को ही मुख्यमंत्री बनाया। लोकायुक्त की जांच में जब मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए तो उन्हें अपनी कुर्सी से इस्तीफा देना पड़ा। तब बीजेपी ने गैर लिंगायत सदानंद गौड़ा को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन वो एक साल से भी कम वक्त तक कुर्सी पर रह पाए क्योंकि 2013 में विधानसभा के चुनाव थे और बीजेपी लिंगायतों का भरोसा खोना नहीं चाहती थी, तो उसने फिर से एक लिंगायत नेता पर भरोसा जताया, BS येदियुरप्पा के बाद कर्नाटक के दूसरे सबसे बड़े लिंगायत नेता जगदीश शेट्टार पर, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। हालांकि 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इसका फायदा नहीं मिला। BS येदियुरप्पा बगावत कर नई पार्टी बना चुके थे, बेल्लारी बंधुओं ने भी बगावत कर दी थी, जनार्दन रेड्डी को तो जेल भी जाना पड़ा था। ऐसे में 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की, लेकिन 2018 का चुनाव बेहद उठापटक वाला रहा। तब बीजेपी के सारे बागी मान गए थे, येदियुरप्पा से लेकर बेल्लारी ब्रदर्स तक बीजेपी के साथ आ गए थे और नतीजा ये हुआ कि 2018 में बीजेपी कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत से दूर रही। तो फिर येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन 6 दिन के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ गया क्योंकि बहुमत उनके पास नहीं था। JDS और कर्नाटक ने चुनाव बाद गठजोड़ कर बहुमत का आंकड़ा जुटा लिया और JDS के HD कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि वो भी कायम नहीं रह पाए क्योंकि JDS और कांग्रेस दोनों में टूट हो गई और HD कुमारस्वामी को 14 महीने के अंदर ही इस्तीफा देना पड़ा। BS येदियुरप्पा फिर मुख्यमंत्री बने, 2 साल तक रहे, फिर बसवराज बोम्मई को मुख्यमंत्री बनाया गया। वो अब भी मुख्यमंत्री हैं, लिंगायत भी हैं, लेकिन अब बीजेपी से लिंगायत का एक दूसरा बड़ा नेता छिटक गया है, वही नेता जिसे खुद बीजेपी BS येदियुरप्पा के बाद लिंगायतों का दूसरा सबसे बड़ा नेता मानती थी और 2012 में सदानंद गौड़ा के इस्तीफे के बाद मुख्यमंत्री तक बनाया था, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। जी, वही जगदीश शेट्टार, जिन्हें बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया था, 2013 के चुनाव की कमान भी दी थी, लेकिन 10 साल बाद उन्हें बीजेपी ने टिकट तक नहीं दिया। नतीजा जगदीश शेट्टार कांग्रेस में चले गए। अब वो कांग्रेस का हाथ मजबूत करेंगे, लिंगायतों का वोट बैंक साधेंगे, क्योंकि बीजेपी के सबसे बड़े लिंगायत नेता BS येदियुरप्पा की उम्र हो चली है। उन्होंने राजनीतिक संन्यास का भी ऐलान कर दिया है, विरासत बेटे VY राघवेंद्र को सौंप दी है, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रियता अब उतनी रह नहीं गई है। तो क्या जगदीश शेट्टार जैसे बड़े लिंगायत नेता से हाथ छुड़ा बीजेपी के आला कमान यानी कि PM मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने वही गलती कर दी है जैसी गलती राजीव गांधी ने 1990 में वीरेंद्र पाटिल से हाथ छुड़ा कर की थी? सवाल है, जवाब मिलेगा 10 मई को। तब तक इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट।